नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों यहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती को लेकर के। बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है। आप सामान्य ग्रेजुएट है या 12th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नौकरी है, ये आपको बता देता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कहीं से मत बरतना, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आप ही इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में किस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा के स्कूल है उनमें भर्ती होने वाली है, और वो जो भर्ती है वो टीचर्स की नहीं है, क्योंकि टीचर्स की भर्ती के बारे में तो यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2020 थी भाई, वो स्थगित हो चुकी, कैंसिल हो चुकी, और वो अब कब आएगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल मैं कहूंगा कि जल्दी ही आएगी, लेकिन उससे पहले सरकार ने एक मीटिंग की। मीटिंग में सरकार ने चर्चा की कि क्यों ना यहां क्लर्क की भर्ती की जाए, एलडीसी की भर्ती की जाए। तो 3000 पदों पर भर्ती का मानस बनाया है, 2900 कुछ पद हैं जिन पर सरकार भर्ती कर सकती है। कुल इन स्कूलों में पदों की संख्या देखें तो करीब 10,000 के आसपास है, 9,900 के आसपास पद हैं, जिनमें से करीब 3,000 पद खाली, सरकार इन पर भर्ती करेगी। तो 12th पास चाहिए होता है एलडीसी के लिए। तो अगर आप 12th पास हैं और आपने कंप्यूटर संबंधी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो वही जो एज लिमिट है, मैक्सिमम की बात करेंगे सीधी, तो 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है। इसके अलावा जो छूट है वो कैटेगरी को मिल सकती है। इसके अलावा जो ये समय बीता है 2020 का कठिनतम समय, इसके लिए आपको 6 महीने 8 महीने की छूट और मिल सकती है, क्योंकि ऐसा भी सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था। ये हुई आपकी उत्तर प्रदेश में क्लर्क भर्ती के बारे में। अब 31,000 टीचर भर्ती के बारे में आपको नया अपडेट दे दूं तो वहां 3-4 अपडेट हैं। पहली बात तो ये कि रीट के सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 ही साल रहेगी। मान लीजिए 2021 में होता है तो 2021 में रिजल्ट आने के बाद 21, 22, 23, 24 के सेशन तक रह पाएगी इसकी वैलिडिटी। और दूसरी बात, एग्जाम आपका एक ही होगा जिसके थ्रू आप सीधा थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। और इसके अलावा बीकॉम वाले भी अप्लाई कर पाएंगे एसएस से, और इसके अलावा बीएड वाले लेवल फर्स्ट में अप्लाई कर पाएंगे। और छूट मिलेगी 5 से लेकर 20% तक की, यानी कि आपको रीट क्लियर करने के लिए 60% की जरूरत नहीं है, केवल जनरल वालों को 60% की जरूरत है। टीएसपी वाले 36 पे कर पाएंगे, ठीक है ना। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, इनके लिए अलग से जो है बनाया गया है कैटेगरी कैडर, तो वो मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में, तो वो भी एक बार आप देख लेना क्योंकि उस वीडियो में सारे डिटेल्स आपको बताए। तो ये था 31,000 टीचर भर्ती को लेकर के अपडेट और साथ साथ उत्तर प्रदेश में निकलने वाली एलडीसी भर्ती को लेकर के जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कभी से मत करना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।